अभी जो कुछ भी घटना घटी है, जो कुछ आतंकियों ने किया और उसमें जो हमारे वीर जवान शहीद हुए, और उसके बाद माननीय मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने जो पहल की और सेना को अधिकार दिया, उन्हें पूरी जिम्मेवारी दी, और जो पूरा देश का ये माहौल बना है कि आतंकवाद के खिलाफ सब लोग एकजुट हो गए, और अब जिस तरह से कार्रवाई हो रही है आतंकवाद के खिलाफ, मैं उसके लिए देश की सेना को सलाम करता हूं। माननीय मोदी जी को इस बात के लिए मैं बधाई देता हूं। जो कुछ भी हुआ, सीआरपीएफ के जवान हमारे शहीद हुए, ये पटना जिले के मसौढ़ी के तरेगना डी के संजय कुमार सिन्हा जी, भागलपुर के कहलगांव के रतनपुर के रतन कुमार ठाकुर जी, ये उस घटना में शहीद हुए। इसके बाद आतंकियों के साथ मुकाबले में फिर हमारे बिहार के बेगूसराय के जिले के रहने वाले सीआरपीएफ के इंस्पेक्टर पिंटू कुमार सिंह शहीद हुए। मैं उस इन सभी शहीदों का अभिनंदन करता हूं, और जिस तरह से आतंकवाद के खिलाफ और आतंकियों को बढ़ावा देने वाले जो तत्व हैं, उनके खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है, और उस कार्रवाई के दौरान जो हमारे वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को जो वहां लोगों ने वहां पकड़ा पाकिस्तान ने, और अंततोगत्वा उन्हें उनको रिलीज करना पड़ा 60 घंटे के अंदर, और इसके लिए मैं भारत सरकार को और मोदी जी को विशेष तौर पर बधाई देता हूं, और अपनी सेना को इस बात के लिए मैं बधाई देता हूं। और मैं विंग कमांडर अभिनंदन का अभिनंदन करता हूं अपनी तरफ से और आप तमाम लोगों की तरफ से। और जानते हैं, ये सब काम तो चलेगा ही, आतंकवाद से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं होगा। जो भी जरूरी कदम है वो सरकार उठाएगी, इसका मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है, और पूरे देश के लोगों को इस बात का भरोसा है। और केंद्र में रहते हुए माननीय मोदी जी ने जो काम किया है, उस काम को हमेशा लोग उसकी चर्चा करते हैं। और जिस तरह से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इन्होंने चलाई, और एक गरीब गुरबा आदमी को भी एलपीजी का कनेक्शन मिला, और किस तरह से गांव में लोग भोजन बनाते थे, किस तरह से धुएं को झेलना पड़ता था महिलाओं को, आज एलपीजी कनेक्शन मिलने से एक तो पर्यावरण बेहतर हुआ है, और दूसरी तरफ गरीब घर की महिलाओं को इसका लाभ हुआ है। मैं इसके लिए आपको बधाई देता हूं। और इसके बाद जो आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना की शुरुआत आपने की है, जिसमें कोई भी जो एसईसीसी सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सर्वे के आधार पर जो चिन्हित किया गया है 10 करोड़ 74 लाख परिवार, उनको इलाज के लिए हर साल 5 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी, ये कोई मामूली कदम नहीं है, मैं इसके लिए भी बधाई देता हूं। और इसका लाभ लोगों ने उठाना शुरू किया, और बिहार में भी इस पूरे योजना के अंतर्गत 1 करोड़ 8 लाख परिवार शामिल है, और लोगों ने इसका लाभ उठाना शुरू किया है, इसकी चर्चा बढ़ने लगी है। और अभी हाल में जो आपने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की है, और ये तय किया है कि 2 हेक्टेयर तक के जमीन वाले किसानों को हम लोग हर वर्ष केंद्र सरकार उनको सीधे 6000 रुपये की सहायता देगी, और 3 बार में 4-4 महीने पर, और पहली बार 2000 रुपया जो 4 महीने में उसका अंश है, उसकी सहायता आपने देना प्रारंभ कर दिया है, मैं इसके लिए भी बधाई देता हूं। और जो बिहार की प्रगति के लिए हम लोगों का फिर से अलायंस हुआ है, यह बिहार के हित में हुआ, बिहार की तरक्की के लिए हुआ, और मैं इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि बिहार के विकास के सिलसिले में केंद्र सरकार का व्यापक सहयोग प्राप्त हो रहा है, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, और खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में जो काम हो रहा है। और राज्य सरकार ने अपनी तरफ से जो काम करना प्रारंभ किया है बिहार में, हम लोगों की प्रतिबद्धता है न्याय के साथ विकास के प्रति, और न्याय के साथ विकास का मतलब है
समाज के हर तबके का विकास और हर इलाके का विकास हम लोगों ने काम करना शुरू किया। एक एक गांव को सड़क से जोड़ा गया। अब गांव ही नहीं, गांव के कुछ टोले हैं उनको भी सड़क से जोड़ने का काम शुरू कर दिया गया। और हम लोगों ने हमने 7 निश्चय का ऐलान किया और उस 7 निश्चय के ऊपर जो अमल हो रहा उसके चलते हर गांव के अंदर पक्की गली और नाली का निर्माण चल रहा है। हर घर में नल का जल, ये कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि गांव में भी रहने वाले लोगों को नल का जल उपलब्ध होगा, और ये काम हम लोगों ने कराना प्रारंभ कर दिया है। और दो तरह से जो गुणवत्ता प्रभावित इलाके हैं उसको लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के माध्यम से, और जो गुणवत्ता प्रभावित इलाके नहीं है उनको विकेंद्रित तरीके से पंचायतों के अंदर, शहरों के अंदर वार्ड वाइज उसका काम हम लोग कर रहे हैं तेजी से, और उसका अनुश्रवण भी किया जाता है। और इसके बाद देश भर की योजना, हमारे राज्य में भी स्वच्छ लोहिया बिहार अभियान भी हम लोग चला रहे हैं, और हम लोगों का लक्ष्य है कि एक एक घर में शौचालय बन जाए। और प्रधानमंत्री जी, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि इस साल के बापू के जन्म दिवस के अवसर तक 2 अक्टूबर 2019 तक हम लोगों का संकल्प है कि घर घर शौचालय का काम हम पूरा कर देंगे। और इस तरह से बिहार ने जो काम किया है, हमारे 7 निश्चय के अंतर्गत था महिलाओं को सरकारी सेवाओं में 35% का आरक्षण, यह हम लोगों ने देना प्रारंभ कर दिया, लागू कर दिया। और इसके अलावे आप सब जानते हैं बिहार ही राज्य है, पहला राज्य है जहां महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में और नगर निकायों में भी 50% का आरक्षण दिया गया, और आज 50% से भी ज्यादा महिलाएं पंचायती राज संस्थाओं में और नगर निकायों में निर्वाचित होकर आती हैं। और ये तीसरा टर्म है, 3 टर्म से 5 साल की अवधि है, हम लोगों ने इसको लागू किया है। तो हर तरह से महिलाओं के उत्थान के लिए, समाज के जो कमजोर तबके के लोग हैं, जो हाशिए पर हैं, उनके उत्थान के लिए हम लोग काम करते रहे हैं। और युवाओं के विकास के लिए हम लोगों ने आर्थिक हल युवाओं को बल के अंतर्गत 5 अवयव हैं, उस पर काम हो रहा है। अवसर बढ़े, आगे पढ़े, हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक संस्थान, हर सब डिवीजन में, हर जिले में महिला ITI, पैरामेडिकल संस्थान, GNM संस्थान, और हर सब डिवीजन में हम लोग ITI और ANM इंस्टीट्यूट खोल रहे हैं, और इस पर तेजी से काम हो रहा है। और नए मेडिकल कॉलेज, मैं तो केंद्र सरकार को बधाई देता हूं कि आपने भी हमें नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिए अपनी सहायता दी है। तो एक एक काम के लिए हम लोग अपनी बात जरूर कर रहे हैं। और बिहार एक पिछड़ा राज्य है, सबको मालूम है, हम लोगों का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, आबादी का घनत्व तो है देश में सबसे ज्यादा, लेकिन फिर भी हम लोग बुलंदी के साथ और मजबूती के साथ काम कर रहे हैं। और विकास का दर है, 2009 से बिहार का विकास का दर डबल डिजिट में चल रहा है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हम लोग अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हैं कि 17-18 में बिहार का विकास दर देश के अन्य राज्यों की तुलना में सबसे ज्यादा 11.3% हो चुका है।